हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परमात्मा और किसान। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मगर कहानी सुनने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करें। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत तेज़ धूप हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूँ की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज़ धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी प्रकार जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।